अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनोज सलवा, जिसमें आज ही बना रही हूँ पोटैटो फिंगर्स। रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पोटैटो फिंगर बनाने के लिए पहले मैं इसकी स्टफिंग रेडी करूँगी, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पर 3 अदद आलू है। इनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया, ठीक है। 3 अदद आलू को मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देंगे। अब इस आलूओं के अंदर मैं ऐड करूंगी 1 अदद टमाटर चॉप किया हुआ, ठीक है। इस टमाटर को मैंने चॉप कर लिया, इसे ऐड कर देंगे। 1 अदद प्याज है बारीक चॉप की हुई, इसे ऐड करेंगे। हरा धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये चला जाएगा। ग्रीन चटनी 1 टेबलस्पून, जो हम घर में आम पुदीना धनिया की चटनी बनाते हैं, गिरी चटनी 1 टेबलस्पून भर के लिए, इसे ऐड कर देंगे। सारी की सारी ये चली जाएगी इसके अंदर। अब सीजनिंग मेरे पास यहाँ पर 1/2 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, रेगुलर सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं। 1/4 टीस्पून मेरे पास काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। इन सबको डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए, तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह सब मिक्स हो चुका है। इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। मुझे पापड़ फ्राई करने हैं, इस तरह की पापड़ियाँ मौजूद हैं जो थोड़ी लंबाई में होते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, ठीक है। अब इन पापड़ों को मैं फ्राई कर लूँगी। चलिए, ऑयल देखिए अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इन पापड़ों को मैं बारी बारी डाल दी जाऊँगी और इन्हें फ्राई करके निकाल लूँगी। चलिए जी, पापड़ देखें, मैंने इस तरह फ्राई कर सब निकाल लिए। इन पापड़ों को मैंने क्या करा है, एक पापड़ को कट करके इस तरह 2 हिस्सों में कर लिया है मैंने, ठीक है। अब करना क्या है, मेरे पास यहाँ पे जो हमने स्टफिंग रेडी की थी, इस स्टफिंग को हम इन पापड़ों के अंदर स्टफ़ कर देंगे अच्छी तरह से, फिर प्रेस कर करके ताकि अच्छी तरह पूरे अंदर चले जाएँ। सारी की सारी हम इस तरह सारे पापड़ों में स्टफिंग फिल कर देंगे। चलिए, मैंने सारे सारे पापड़ जिस तरह से देखें स्टफ़ कर लिए, ठीक है। तमाम आलू से स्टफिंग कर दी इसकी। अब करना क्या है, मेरे पास यहाँ पर सेव है जो कि निमका वालों के पास आराम से मिल जाती है। हमने जहाँ पे आलू फिल किए थे उस जगह पे हमने इस तरह से सेव को लगा देना है, दोनों साइडों पर इस तरह से हम इसके जो है सेव को लगा देंगे। बस इस तरह से मैं बाकी के सारे भी कर लेती हूँ। पोटैटो फिंगर्स रेडी हो चुके हैं, तो जब इसे बनाए तो फौरन सर्व कर दीजिएगा, इसे बना के रखिएगा नहीं, वरना बहुत ही सॉगी हो जाएंगे। तो आप फौरन सर्व करेंगे तो क्रिस्पी रहेंगे ये, ठीक है। ट्राई जरूर कीजिएगा, आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।